ए, मेरे अंदर एक एनिमल है, मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। नहीं मतलब मेरा हाल नहीं है ये, मतलब कि पूरे इस वक्त इसको कहते हैं ना, पाकिस्तान में हर कोई यही कर रहा है। जो जो एनिमल मूवी किसी ना किसी तरीके से देख रहा है, वो हर कोई अपने आप को ना एनिमल समझ के बैठा हुआ है। उसका चलने का स्टाइल, उसका हर चीज के अंदर गुस्सा करने का स्टाइल, और स्पेशली वो वाला जो सीन था ना, जिसके अंदर वो अपने फादर से कहता है कि आपने क्या किस तरह से मुझे जवाब दिया था, इसके ऊपर तो इतनी मीम्स बन चुकी हुई है, इतनी मीम्स बन चुकी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लोग मीम्स बना रहे हैं, अपनी वाइफ को रिलेट कर रहे हैं कि किस तरह से तुम मुझे ट्रीट वगैरह करती होते हो। तो एनिमल मूवी मैं बात कर रहा हूँ, एनिमल मूवी की आप सब परेशान हो गए होगे, मतलब कि ये वनीस भाई किस ट्रैक के ऊपर आ गए। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि बड़ी बड़ी धूम मची हुई है, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इतनी बड़ी ये मूवी होगी। इतनी धूम मची हुई थी, इतनी धूम मची हुई थी कि मैं आपको इतना बता देता हूं कि लास्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी मूवी थी जो हर किसी की जुबान के ऊपर थी, मैं आपको ऑनेस्ट बता देता हूं। ना वो भी टाइगर 3 थी, ना वो जवान थी, ना वो गदर 2 थी, ना वो पठान थी, वो थी पुष्पा। पुष्पा मूवी जो थी ना, वो पूरे पाकिस्तान में हर किसी की जुबान पे चढ़ी हुई थी, उसके डायलॉग्स चढ़े हुए थे और लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया था। उसके बाद से जो अब कोई मूवी आई है ना, जो हर जगह सोशल मीडिया में पाकिस्तान के अंदर ट्रेंडिंग पे चल रही है, उसके सीन्स चल रहे हैं, उसके लोग गेटअप को कॉपी कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उसके डायलॉग्स बड़े हिट हो रहे हैं, वो है ये एनिमल। ये एनिमल मूवी जो कि रणवीर कपूर की मूवी है, और इसने तबाही मचा दी हुई। अगर बात करें इसके बिजनेस की, तो ये जवान के पीछे पीछे चल रही है। बहुत जल्दी ये भी कहा जा रहा है कि जवान को भी पीछे छोड़ देगी। देखिए मैंने इस मूवी को देख लिया, फाइनली मैंने इस मूवी को देख लिया, और मैं कह सकता हूं कि मेरे अंदर भी एक एनिमल है। मेरे अंदर क्या, हर किसी के अंदर एक एनिमल है। जिस तरह से इस करेक्टर को उन्होंने दिखाया है कि भाई इस पे बात करना तो बनती है। इतनी बड़ी मूवी आई है, अभी रिसेंटली जवान भी आई थी, इससे पहले पठान भी आई थी, उन्होंने भी बड़ा पैसा कमाया। लेकिन इसी पे हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के मुंह के ऊपर चढ़ी एनिमल हुआ है। एनिमल एनिमल एक नाम ही ऐसा है कि हर लड़का बनना चाहता है एक एनिमल। हर लड़के के अंदर जिसको कहता है ना जोश होता है कि मैंने इस तरह का आदमी बनना है। अकेला ही 200-300 बंदे को मार दे, और जिस तरह की उसने गन यूज कर ली, वो तो वैसे हर किसी को मार दे। तो बात करते हैं इस मूवी की, देखिए इस मूवी की जितनी तारीफें की जाए कम है। हाँ, बोंगापना तो हर मूवी के अंदर होता है। एक चीज में मैं कह सकता हूँ, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले जवान भी देखी थी वर्ल्ड कप के दौरान के अंदर, और जवान मूवी देख के मुझे एक बड़ी खुशी हुई थी कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा बोंगिया नहीं थी। हर चीज बड़ी तरीके से उन्होंने की हुई थी, हर चीज बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने शो करवाई थी। उसके खिलाफ पुलिस भी पड़ी हुई थी उसके पीछे, हर चीज ये नहीं थी हवा में तीर चलाना कि अन्य वाला जो चीजें हो रही कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इस मूवी के अंदर काफी ऐसी चीजें थी, तो इस मामले में जवान अच्छी थी। और अभी भी वैसे अगर मुझसे पूछेंगे ना, तो पर्सनली मुझे इस साल की अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट मूवी जवान लगी है, उसके बाद ये एनिमल लगी है। एनिमल मूवी की हाइप इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर जो है ना वो बड़े अच्छे हैं। रणवीर कपूर ने जो करेक्टर उन्होंने किया है, यकीन नहीं था कि ये बंदा ऐसा भी कर सकता है। ये जवानी है दीवानी मेरी, इसकी अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। उसको उस वाले रणवीर कपूर को देखो और इस रणवीर कपूर को देखो, तो भाई पता चलता है कि वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है इस वक्त इंडिया के अंदर। यही नहीं, बॉबी देओल, आप यकीन करें कि इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर जो एक गाना चल रहा है ना, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर कोई उसके ऊपर वीडियो बना रहा है। वो गाना है बॉबी देओल की एंट्री वाला, जब वो ऐसे यू नाच रहे होते हैं ना, यू गोल घूम रहे होते हैं, वो जो उनकी एंट्री है। और क्या भाई, ये तो बंदा लग ही नहीं रहा बॉबी देओल। इसने क्या जिस्म बनाया हुआ है, क्या अपनी लुक्स क्रिएट की हुई है, हर चीज जिसको कहते हैं ना चेंज नजर आ रही है। पता चल रहा है इस मूवी में बड़ा काम किया गया, पता चल रहा है इस मूवी के ऊपर बड़ा जैसा कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट की गई। और सबसे मजे की चीज ये है कि इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी था। इसका मतलब ये है कि ये मूवी अगला पार्ट भी आने वाला है, इसका अगला पार्ट भी आने वाला है। तो मतलब कि इंजॉयमेंट अभी रुकी नहीं है, लेकिन बंदा अब ये सोचे कि अगले पार्ट के अंदर क्या से क्या होगा, क्योंकि जो ये रणवीर कपूर का कैरेक्टर दिखाया ना, ये हर लड़का ही ऐसा बनना चाहता है, अय्याश लड़का, फैमिली से प्यार करने वाला, ये वो वाला करेक्टर दिखाया। और जो बाप बेटे का प्यार दिखा दिया है, इतना तो प्यार, जज्बाती प्यार मैंने आज तक लाइफ के अंदर नहीं देखा। ये ऐसा फिल्मों में ही हो सकता है, लेकिन फिर भी मजा आया मूवी देखने का। ये एक चीज है कि रणवीर कपूर फैमिली मूवीज नहीं बनाते, शाहरुख खान सलमान खान की फैमिली मूवीज होती है, बंदा फैमिली के साथ देख सकता है, लेकिन ये रणवीर कपूर की फैमिली मूवीज नहीं होती है। तभी उन्होंने टैग भी लगाया हुआ था एडल्ट वाला, नजर आ रहा था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, एक बेहतरीन मूवी है। अब मैं जब ये मूवीज वगैरह देख रहा होता, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार सच्ची में बॉलीवुड बड़ा आगे चला गया है। एक साल पहले 2022 तक हम ये बातें कर रहे थे, आपको पता है मेरे दूसरे चैनल के ऊपर जब मैं वीडियोज के मूवीज के रिव्यू करता था,
तो उस चैनल के ऊपर मैं कहता था कि बॉलीवुड जो है ना वो डाउन होता जा रहा है, जो दूसरे वुड है ना, मतलब कि टॉलीवुड हो गया और दूसरे केजीएफ वाले, ये बाहुबली वाले, पुष्पा वाले, जो भी इंडस्ट्रीज है, ये ऊपर जा रही है, बॉलीवुड नीचे आ रहा है। मैं हमेशा आपको ये बात कहता था 2022 के अंदर, लेकिन 2023 के अंदर हर चीज चेंज होके रहेगी। 2023 के अंदर दो जो मूवीज थी, शाहरुख खान की इतनी हिट चलेगी, उसके बाद गदर 2 इतनी हिट चलेगी, फिर आपके जिसको कहते हैं अब ये मूवी भी हिट चलेगी है, तो बैक टू बैक हिट्स आ रही है। तो बॉलीवुड दोबारा से जिसको कहते हैं ना, पूरे इंडिया का, पूरे एशिया का डॉन बन के उभर कर आया है। और अभी सुनने में आया कि एक और मूवी बड़ी खतरनाक आने वाली है, वो फाइटिंग वाली नहीं होगी, वो बड़ी मजाकिया सैड मूवी होगी, लेकिन वो पैसा बड़ा कमाएगी, उसका नाम है डंकी, वो भी शाहरुख खान की है। तो 2023 के अंदर शाहरुख खान वैसे ही उन्होंने आग लगाई हुई, तो एक और वो आग लगाएंगे। सुनने में आया कि बहुत बड़ी मूवी है, उसको भी मैं जरूर देखूंगा। लेकिन एनिमल देखने के बाद मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि आप कम से कम 3 से 4 दिन एनिमल के वो जो करिश्मा है ना, वो जो चार्म है, उससे अपने आप को निकाल नहीं सकते। आपके माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनिमल चलता रहेगा, आपके माइंड के अंदर वो करेक्टर चलता रहेगा, आप चाहोगे इस तरह का बनना, लेकिन इन रियलिटी आप उसके 1% भी नहीं बन सकते। ये सिर्फ ऐसा कुछ फिल्मों के अंदर ही होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, एक एंटरटेनमेंट है। बड़ी लंबी मूवी थी, अवेंजर्स एंड गेम के बाद कोई लंबी मूवी देखी है तो ये एनिमल देखी है, लेकिन फिर भी अच्छी मूवी थी, बोर नहीं हुआ। बड़े सारे सवाल लोग पूछेंगे यार आपने मूवी कैसे देखी। अब भाई अब हम क्या कर सकते हैं, अब जब पाकिस्तान में मूवीज लगती नहीं तो फिर अपने अपने तरीके आजमाने पड़ते हैं। इस तरह हम मूवी वैसे सारी देखते हैं, जितनी भी आती है ना बड़ी मूवीज इंडिया की, हम सारी की सारी मूवीज देखते हैं, तरीके बड़े हैं, देख लेते होते हैं। लेकिन ये मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को चाहिए कि एटलीस्ट ये मूवीज रिलीज करे, क्योंकि लोगों ने तो वैसे ही देख लेनी है, हम तो मूवीज को देख ही लेंगे कहीं ना कहीं से, तो फायदा क्या हुआ फिर आपका मूवीज ना दिखाने का। इससे बेहतर मूवीज दिखाई दो, सिनेमा में लगाई दो, ताकि हम और इंजॉय भी कर सकें। लेकिन फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि एनिमल जो मूवी थी ना, ये बड़ी अच्छी मूवी मुझे लगी है पर्सनल। अगर आप अकेले देखो तब अच्छी मूवी लगी है, फैमिली के साथ देखने वाली मूवी नहीं है। लेकिन फिर भी जो लड़कों को चाहिए ना, वो लड़कों को मिला इस मूवी से, जो लड़कों को चाहिए वो लड़कों को मिला है। हाँ, इसके अंदर लड़कियों से रिलेटेड कुछ वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहूंगा जो लड़कों को चाहते हैं, जो लड़के चाहते हैं, जिस तरह का वो करेक्टर सोच है, जिस तरह से वो गेम में फाइटिंग वगैरह करते होते हैं, इस मूवी के अंदर आपको उस तरह का करेक्टर एनिमल के रूप में, रणवीर कपूर के रूप में आपको देखने को मिला है। और एनिमल का जो वर्ड था ना, उसको सही पोर्ट्रे किया है। मैं ये समझता हूँ इस मूवी की जो बेस्ट क्वालिटी थी वो ये थी कि एनिमल नाम को सही तरीके से दिखाया कि एनिमल होता कैसा है, और जब एक एनिमल जख्मी हो जाए उसके बाद वो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, तो वो उन्होंने करके दिखाया इस मूवी के अंदर। अब इसको आगे अगले पार्ट्स में लेके जाएंगे, लंबी कहानी छिड़केंगे, पता नहीं क्या से क्या छोड़ेंगे, वो अलग बात है, लेकिन हमने जो देखा उसका हमने आपको बता दिया है। अच्छी मूवी थी, मजा आया देखने का, और इसका जो करिश्मा है ना वो पाकिस्तान के अंदर बड़ा ज्यादा चला हुआ है, कि मैं तो कब से वो जिसको कहते हैं ना बाहर भी निकल रहा हूँ ना, तो वो एनिमल वाले रूप के अंदर निकल रहा हूँ, गुस्सा चढ़ रहा है, ये किसी को मारने का दिल कर रहा है, इस तरह की फीलिंग आ रही है। और वो वाला जो कैरेक्टर कहते हैं लाइन थी ना, अब हमने अपने को एक्टिंग इतनी आती नहीं है, लेकिन मेरा दिल जरूर कर रहा है कि मैं उसके ऊपर एक जिसको कहते हैं ना रील बनाऊं उस वाले चीज की, वो जो अपने फादर्स के साथ जो करते हैं कि जब मैंने आपसे इतने साल पहले एक चीज पूछा था तो आपने किस तरह से रिएक्ट किया था, क्या हम वो दोबारा से एक्शन रिप्ले करें, आप मैं करेक्टर को स्वैप कर लेता, मैं बाप बनता हूं आप बेटा बने, और मुझसे पूछे तो वो जब पूछते तो जिस तरह से वो आगे से बोलता है, वो वाला जो है ना वो उसके ऊपर बड़े दिमाग में माइंड में चीजें आ रही, तो दिल करता है कि उस तरह का चीज जिसको कहते हैं ना क्रिएट की जाए। लेकिन फिर भी अपना काम है क्रिकेट, क्रिकेट के ऊपर ध्यान देंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए।